हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के गांव सिंघवी की 5 वर्षीय बेटी अंशिका पिछले 8 माह से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रही है। अंशिका के पिता अशोक कुमार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान अशोक कुमार की नौकरी भी चली गई, दूसरी ओर बेटी को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी ने जकड़ लिया। अशोक कुमार ने बताया कि उनकी बेटी 25 दिसंबर 2019 को अचानक बीमार पड़ गई। उसके बाद उसे इलाज के लिए शिमला ले जाया गया। शिमला में पता चला कि बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है, फिर उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। लेकिन नन्ही अंशिका की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती रही। अब हालत ये है कि पीजीआई के डॉक्टरों ने भी इलाज करने से अपने हाथ खींच लिए। डॉक्टरों ने कहा कि अंशिका का ब्रेन ट्यूमर इलाज से बाहर है। अशोक कुमार को लॉकडाउन के चलते नन्ही अंशिका को इलाज के लिए पीजीआई ले जाना महंगा साबित हो रहा है। निजी गाड़ी पर पीजीआई पहुंचना पड़ रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने अशोक कुमार की मदद भी की, लेकिन घर पर ऑक्सीजन का प्रबंध और दवाइयों पर खर्च वहन करना अशोक के लिए मुश्किल हो रहा है। अंशिका के पिता अशोक कुमार ने प्रदेश सरकार व दानी सज्जनों से मदद की गुहार लगाई है। अशोक कुमार ने कहा कि जो दानी सज्जन मेरी बेटी के इलाज के लिए सहायता करना चाहता है, वे मेरी पत्नी नेहा शर्मा के खाता संख्या 5514960313 जो SBI मेहरी शाखा में है, जिसका IFSC कोड SBIN 00502096 इस मदद कर सकता है, या मोबाइल नंबर 8568035568 पर संपर्क कर सकता है। सर, मेरी लड़की 5 साल की है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, और सर घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम उसका ट्रीटमेंट PGI में करवा सकें, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको खुद ले जाने के लिए गाड़ी वगैरह करनी पड़ती है, एम्बुलेंस का खर्चा होता है। तो घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम उसको PGI ले जा सकें, घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है, नौकरी मेरी छूट चुकी है। तो जनता से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जितना भी हो सके हमारे दिल खोल के मदद करें। नहीं सर, हमारा हिम केयर का कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान के लिए उन्होंने कहा था कि आपका कार्ड नहीं बन सकता, आप BPL IRDP नरेगा में नहीं है, तो वो बना नहीं था। और हिम केयर का हमारे को उधर दफ्तर वगैरह नहीं मिला, ना काउंटर था उधर। वहीं अशोक कुमार की पत्नी नेहा शर्मा ने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। एक तो लॉकडाउन में पति की नौकरी छूट गई, ऊपर से बेटी के इलाज के लिए घर में एक भी पैसा नहीं है। नेहा ने सरकार व दानी सज्जनों से मदद की गुहार लगाई है। ब्रेन ट्यूमर है, दिसंबर महीने से बीमार है इसको, मतलब दिसंबर महीने से इसकी बीमारी स्टार्ट है, और जनवरी महीने से मेरे हस्बैंड की जॉब जो छूट गई है, उस टाइम से पेमेंट नहीं मिली है। हमारे घर का हालत बहुत खराब है, और जो भी खर्चा है वो जो हमारे पास पैसे थे हमने सब कुछ लगा दिया है। अब हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, हमारे घर खर्च के लिए भी पैसा नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी कि हमारी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करें। हमारी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बहुत हमारी कंडीशन जो बहुत खराब है, प्लीज हेल्प मी। वहीं अंशिका के दादा श्रवण कुमार ने बताया कि पोती के इलाज के लिए घर में पैसे नहीं है। एक मकान है जिसकी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, जो कभी भी गिर सकता है। मेरी पोत्री है जी बीमार, आज 6-7 महीने से बीमार पड़ी है, कोमा में है इस वक्त है जी। तो सरकार से भी हमें कोई मदद नहीं मिल रही है जी, थोड़ी बहुत किसी ने दी है तो वो तो कराए भाड़े में ख़त्म हो गई है। और इस वक्त ना बैठने के लिए कोई है, मकान हमारा वो गिरने वाला है जी, कोई भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा है कोई। वहीं अशोक कुमार के पड़ोसी अश्विनी शर्मा ने भी सरकार पर दानी सज्जनों से नन्ही अंशिका के इलाज के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाने की अपील की है। तो मेरा आम जनता से और सरकार से अनुरोध है कि एक नन्ही सी बेटी हमारे काम की, जिसका नाम अंशिका है, वो ब्रेन ट्यूमर रोग से पीड़ित है, तो उसका बीमारी का खर्चा जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बार बार इनको PGI शिमला जाना पड़ता है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। दादी सज्जनों से भी अनुरोध है कि जितना हो सके इस नन्ही सी बेटी की हेल्प करें, क्योंकि ये लड़की इसमें जो है 3 महीने से जो है कोमा में है, और अपने बेड पे लेटी हुई है, पड़ी हुई है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि जितना हो सके इस बेटी की हेल्प।